दोस्तों, अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कभी ना कभी आपको ये सपना या थॉट जरूर आया होगा कि आपको अचानक से ढेर सारे पैसे मिल गए, भले ही वो पैसे हमें कभी ना मिले हो, पर ये सोचकर कुछ देर की खुशी जरूर मिलती है। और इसी के साथ मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आउटलुक मूवी जेम्स पर, जहाँ हम बात करने वाले हैं July 31st को रिलीज की गई चौथी मूवी के बारे में, जिसका नाम है लूट केस। पहले हम बात करते हैं मूवी की कुछ डिटेल्स के बारे में। मूवी के कास्ट में हमें देखने को मिलते हैं कुणाल खेमू, गजराज राव, विजय राज, रणवीर शौर्य और राशिका दुग्गल, और इनके अलावा भी कई सारे लोगों ने इस मूवी में काम किया है। टोटल 2 hours 12 minutes की है ये मूवी, जो बेस्ड है कॉमेडी और ड्रामा पर, और इस मूवी को रिलीज किया गया है 31 July 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अब हम बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है नंदन कुमार से, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी है और उसकी 3 लोगों की छोटी सी फैमिली है, जिनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो भी बाकी लोगों की तरह दिन भर काम करता है। और उसकी जिंदगी एक नया मोड़ उस वक्त लेती है जब एक रात काम से घर आते हुए उसे रास्ते में एक लावारिस सूटकेस मिलता है, और आसपास के लोगों से काफी पूछने के बाद भी उसे उस सूटकेस के ऑनर का पता नहीं चलता, जिसके बाद वो सूटकेस को खोल के देखता है, और उस सूटकेस को खोलते ही वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो सूटकेस पैसों से भरा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सूटकेस को अपने साथ ले जाता है। पर उस सूटकेस को कई और लोग भी ढूंढ रहे होते हैं, जिनमें एक गैंगस्टर और पॉलिटिशियन के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है, और उस सूटकेस को पाने के लिए ये सभी क्या करते हैं और उसे बचाने के लिए नंदन कुमार क्या करता है, यही पूरा ड्रामा देखने को मिलता है हमें इस मूवी में, जो कि बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। दोस्तों, इसकी कहानी में तो हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस टाइप की ज्यादातर मूवीज में ऐसी ही स्टोरी होती है जहां हमें कुछ अलग अलग लोग किसी चीज के पीछे या पैसों के पीछे भागते हुए नजर आते हैं, पर ऐसी मूवीज में हमें कहानी से ज्यादा उसकी प्रेजेंटेशन और कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस से आता है, जिसमें मुझे कुछ भी कमी नहीं लगी और सभी ने कमाल की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा एंटरटेन भी किया। जहां इन कैरेक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी और कॉमिक टाइमिंग आपको इस 2 hours 12 minutes में कई बार हंसाने वाली है, और इसे देखते हुए कुछ देर के लिए आप बाकी सभी टेंशन को भूलकर सिर्फ इस मूवी को एंजॉय करोगे, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स हैं जिनका हर एक रिएक्शन आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करता है, जिनमें मुझे पर्सनली विजय राज की एक्टिंग काफी पसंद है, पर इनके अलावा कुणाल खेमू, रणवीर शौर्य और गजराज राव के साथ साथ चाइल्ड आर्टिस्ट आर्यन प्रजापति की परफॉर्मेंस भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। ओवरऑल ये मूवी एक एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है, और बहुत टाइम बाद एक बढ़िया कॉमेडी मूवी को रिलीज किया गया है, और इस मूवी को आप फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसे देखते हुए मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3.5 out of 5 stars। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग ये मूवी कैसी है और इसे कितने स्टार्स मिलने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि आपको सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। ज्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।